ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्लास में इसके अंदर चली गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन। ये इंस्टेंट बनते हैं, अगर कोई मेहमान आने वाला है तो इसको हम आधे घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप पानी और 1 कप दूध, 1 बड़ा स्पून घी और फूड कलर। इससे हम डो तैयार करेंगे। और चाशनी के लिए 2 कप चीनी, सूजी जितनी है उसका जस्ट डबल हम चीनी लेंगे। 2 छोटी इलायची और नींबू मैंने लिया है चाशनी के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, 1 बड़ा चम्मच घी थोड़ा सा गर्म हो जाए। घी पिघल गया है, इसमें हम सूजी डालेंगे और उसको भूनेंगे। इसको हमें लो फ्लेम पे ही भुनना है, नहीं तो सूजी जल जाती है, उसकी महक आती है जलने की। 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट में ये अच्छी भुन के सिक जाएगी। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और पानी साथ साथ। इसको अच्छे से चलाएंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको अच्छे से हमें चलाना है, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। एक उबाला आ जाएगा उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। इसमें अच्छे से उबाला आ गया है, अब इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। बस इसको सूखने तक पकाएंगे, पूरा इसका पानी दूध सब सूख जाएगा, बस तब तक हमें इसको पकाना है, एकदम गाढ़ा हो जाएगा ये। कलर डाल रही हूँ रेड कलर, इससे इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है, बस इसको मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मिक्स ठंडा होता है, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 2 कप पानी और 2 कप ही हमें चीनी डालनी है। अब इसमें उबाला आने देंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मिक्स हमारा ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा हमें नहीं चाहिए होगा। जब तक चाशनी बनती है हम इसके पेड़े बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा पीस लेकर उसको अच्छे से रब करेंगे। इसमें साइड्स में बस कट नहीं होने चाहिए, उतना हमें इसको बॉल जैसा बनाना है। ये देखिए इसमें कहीं भी कोई कट नहीं है, बस इसी तरह हमें बनाने हैं। साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बस इसी तरह से मैं बनाकर अपने सारे तैयार कर लूंगी। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको 6 से 7 मिनट लगे हैं बनने में। अभी 2 इलायची को मैंने कूट लिया है, इसको डालेंगे इसमें और आधा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ। चाशनी में हम नींबू जरूर डालते हैं, इससे चाशनी में लम्स नहीं आते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार है, इसको अब हम हटा लेंगे और अपने गुलाब जामुन तलेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हम तलेंगे, फुल गैस पे हमें नहीं तलना है। एक बार में बहुत सारे नहीं डालने, जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही हम डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर आने देंगे, उसके बाद हम इसको छेड़ेंगे। गुलाब जामुन हमारे तलकर तैयार हो गए हैं। देखिए इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है, हमने रेड कलर डाला है इसलिए इसमें ऐसा कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी थोड़ी सी गर्म ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए। ये सभी मैंने चाशनी में डाल दिए। चाशनी में डाल के इसको थोड़ा सा हिलाएंगे
और इसको छोड़ देंगे और इसी तरह से मैं अपने सारे तल के तैयार करूंगी। ये लगभग हमारे 30 से 35 गुलाब जामुन बनेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। चाशनी हम लेंगे वो एकदम खुले बर्तन में लेंगे ताकि गुलाब जामुन जो हमारा थोड़ा बहुत फूलेगा भी सही। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा डिप होने लगे हैं, ये धीरे धीरे अपने आप बैठ जाएंगे। अब हम इसको आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये सभी गुलाब जामुन बनके मेरे तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये चाशनी इसके अंदर चली गई है। देखिए बहुत ही आराम से कट रहे हैं और चाशनी इसमें पूरी चली गई है अंदर तक। इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है, आप चाहें तो ये कलर स्किप भी कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।